आई थिंक इट इज़ ओके नाउ। हाँ, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अभी ये आप लोगों को सब क्लियरली सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आई विल बिकम द टेक्निकल एक्सपर्ट, मुझे ये चीज़ें भी सही करनी आ जाएंगी। हाँ, वॉइस अभी आ रही है आप लोगों को मेरी? जितने स्टूडेंट्स अवेलेबल, एक बार आप कमेंट कर दीजिए दैट द वॉइस इज़ ओके नाउ, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि अब वॉइस आप लोगों के पास क्लियरली पहुँच पा रही होगी। तो गाइस, आज के सेशन में हम फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ चीज़ें करने वाले हैं। वॉइस इशू इज़ रिजॉल्व्ड नाउ, आई थिंक अब आपको वॉइस का इशू नहीं आ रहा होगा। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आंचल, ए के, राजेश्वर, अर्पित, हिमांशु, जो भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट के साथ, जो कि इस तरह से है कि डोंट फोकस ऑन द पेन, फोकस ऑन द प्रोग्रेस। जीवन में कुछ करना है तो आप प्रगति पर ध्यान दीजिए, ना ही दुख दर्द जो आपको रास्ते में मिल रहे हैं, तभी जाके जीवन में आपको कुछ हासिल होगा। इसी के साथ साथ आप सभी स्टूडेंट्स अलग 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो डेली बेसिस पर आप सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए इन सभी फीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 विच इज़ अवर यूट्यूब चैनल, गाइस आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब्ड होगा तो आप सभी स्टूडेंट्स जो जिस भी एग्ज़ाम को लेकर टारगेट कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी एंड यू कैन डू योर प्रिपरेशंस इन अ वेरी गुड मैनर। इसी के साथ साथ दिस इज़ अवर टेलीग्राम चैनल। अच्छा, ये गाइस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बैच है जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो AGTA के इस बैच में एडमिशन आप ले सकते हैं। आज के दिन आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, साथ में 80% डिस्काउंट मिल रहा है इस बैच में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप Y344A कोड का इस्तेमाल करके एडमिशन लेते हैं तो आपको सबसे कम प्राइस पर इस बैच में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, बैच फीस बता दिए चंदन रावत, बैच फीस आपकी 1279 रुपीज़ है 24 मंथ्स के लिए। प्लीज़ लुक एट द टाइम पीरियड एंड यू हैव ऑल द क्लासेज, जितने भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स हैं सभी की क्लासेज आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए इस बैच की हेल्प लेना चाहते हैं या फिर नहीं। आज हम लोग कुछ फॉरेस्ट्री के वन लाइनर्स करेंगे, उसके बाद कुछ MCQ करेंगे, ठीक है। आज आपका सेशन इस तरह से दो सेक्शन में डिवाइडेड है, तो चलिए कुछ वन लाइनर्स पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे आपके MCQs पर फोकस करेंगे। तो हेयर इज़ अ फर्स्ट वन लाइनर गाइज, और जितने स्टूडेंट्स हैं सबके सब लाइक ज़रूर कर देंगे सेशन को। ए सिस्टम वेयर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर प्रैक्टिसाइज्ड आइदर साइमल्टेनियसली और सेपरेटली ऑन अ सेम यूनिट ऑफ लैंड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं। तो देखो, रीड करो इस चीज़ को ध्यान से। आपके पास एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, ठीक है, जहाँ भूमि की एक ही इकाई पर या तो एक साथ या फिर अलग अलग आप कृषि और वानिकी दोनों का अभ्यास कर रहे हो। इस प्रकार की प्रणाली को कृषि वानिकी कहा जाता है, कृषि वानी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। अगला वन लाइनर है, द एरिया अंडर फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया इज 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स विच इज 24.62% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। अब आपको एक बात मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि भारत में वन भूमि का क्षेत्रफल 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। अब आप बोलिए कि मैम हमारा फॉरेस्ट कवर तो 21 के अराउंड है। तो गाइस, यहाँ पर जब आपको फॉरेस्ट लैंड लिखा जाता है, वन भूमि लिखा जाता है, तो इसके अंदर फॉरेस्ट कवर, ठीक है, वन कितना क्षेत्रफल है, साथ में ट्री पेड़ जो है उसका क्षेत्रफल कितना, यानी कि जो पेड़ आपने आपने सड़कों के किनार दर लगाए हैं उन पेड़ों को भी हम यहाँ पर काउंट करके तब जाके फॉरेस्ट लैंड को निकालते हैं, और ये आपका 24.62% है फिलहाल में, ठीक है। अगला वन लाइनर है, ऑप्टिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट। अब ये एक निर्धारित किया गया है कि भारत जो वानिकी जो आपके अधिनियम है उनके तहत ये डिसाइड किया गया है कि हमारे
कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 यानी कि तिहाई हिस्सा जो है वो वन के अंदर आना चाहिए, ठीक है, और जो कि है आपका टोटल 33%। 1/3 जो होगा सो होगा वो 33% होगा, लेकिन आज तक भी हम इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए हैं। और फिलहाल में हमारा कुल जो वन्य क्षेत्र है वो 24.62% है, ठीक है, क्लियर है हिमांशु, इज इट ओके? जहां पर जो भी आपको डाउट्स लगेंगे आप अपने डाउट्स को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब अस्तित्व में आया था? तो भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में आया था 1927 में, ठीक है, भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 में आपका एग्जिस्टेंस में आया था, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज मेड इन, कौन से वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम आया था? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। वहीं पर अगर वातावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वो आपका 1986 में आया था। तो ये दोनों तारीखें अलग हैं गाइस, जो आपको याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका, फॉरेस्ट स्कूल इज एस्टेब्लिश एट देहरादून। अभी सबसे पहले जो वन विद्यालय है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो देहरादून में की गई थी, जिसको अब हम फॉरेस्ट वन्य अनुसंधान अनुसंधान और आपका शोध, मतलब वहाँ पे आपका रिसर्च वर्क किया जाता है, शोध वर्क किया जाता है, तो आप इसका नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और FRI हो गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि आपका देहरादून में स्थित है, क्लियर। अगला आपका वन लाइनर है, वन महोत्सव डे इन इंडिया कब, सबसे पहले कब इसको ऑब्जर्व किया गया था? 1950 में, किसके द्वारा? डॉक्टर KM मुंशी के द्वारा, ठीक है। और तब से ही हम हर साल साल में 2 बार वन महोत्सव बनाते हैं, एक बार जुलाई के महीने में और एक बार अक्टूबर के महीने में। तो वन महोत्सव दिवस किस दिन कहा जाता है? तो ये आपका 1 जुलाई को कहा जाता है। इस वक्त पे बरसात का मौसम चल रहा होता है और वसंत ऋतु का समय होता है, तो कोई भी आप बीज लगाएंगे तो वो जल्दी ही अंकुरित हो जाता है, इसलिए हम इस समय को वन महोत्सव के समय के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। अगला वन लाइनर है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जिसमें वन क्षेत्र सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? फिलहाल अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वन के अंतर्गत आता है, तो आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क करेंगे गाइस? तो MP, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में वन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट वन लाइनर है, अब अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा वन प्रकार है, सबसे ज़्यादा कौन सा वन प्रकार हमारे देश में है, अगर इस सवाल की बात की जाए, हाँ हिंदी बोल नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई कैन, KM मुंशी है वो, MK मानसी, क्या बात हो गई, रुक जाओ, तुम लोग के कमेंट देखने दो, मैं तभी सोच रही थी कि तुम लोग इतने देर से हल्ला नहीं कर रहे हो, आराम से बैठे हो। हाँ सर्वेश, जो आप ये लिख रहे हो ना, 33% जनरल, 60% हिल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, प्लेन में 40%, आपका जो इंडिया फॉरेस्ट एक्ट है और जो नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर है उसके तहत ये डिसाइड किया गया है कि 33% हमारे टोटल जियोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। उसमें कौन सा राज्य कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, योगदान दे रहा है, और किस पर्टिकुलर एरिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये वो सारे डिटेल्स है सर्वेश, ठीक है, डिटेल्स आपके बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाली डिटेल्स हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक में क्लियर है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन प्रकार कौन सा पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूअस फॉरेस्ट हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगला आप लोगों के लिए वन, अभी अगले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो तुम लोग इतना आराम से बिल्कुल बैठे हो, अभी अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, तो अगला आप लोगों के लिए क्या है गाइस, नेक्स्ट ये है,
नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका झांसी में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। ठीक है। हाँ, बच्चा कहाँ रो रहा है भाई? आज तो कहीं नहीं रो रहा, वो शांत बैठा है। उसको लगा कि एजीटीए वाले बच्चे बड़ा सिंसियर हैं, आराम से बैठने में फायदा है, तो बिल्कुल आराम से बैठा है। आज तो बोल ही नहीं रहा वो किसी को कुछ, लेकिन तुम लोग के कान जो है ना बच्चे पर ही रहते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है। अब आप लोग के सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन है, और जितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं सबके सब क्लास को लाइक भी कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द हैबिटेट ऑफ देवदार इज, ठीक है, देवदार का निवास स्थान क्या है? देवदार क्या है? ये एक पेड़ है, ठीक है, जिसका अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो वो सिड्रस देवदारा है। आपको ये बताना है किस प्रकार के जंगलों में सबसे ज्यादा देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। बताइए, ग्राम पंचायत शिक्षा की ओर, थोड़े और भारी भारी नाम रखो, अपने यूजर नेम ऐसे भारी भारी रखो कि मैम को यही ना समझ में आए कि कहाँ तुम्हारा नाम खत्म होता है और कहाँ तुम्हारी क्वेरी शुरू होती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एक आधे स्टूडेंट का नाम ऐसा होता है, उसके बाद वो क्वेरी लिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अच्छा, मतलब पता ही नहीं लगा कि कहाँ पे क्या चीज थी। इस सवाल का सही जवाब है कि देवदार के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपके सदाबहार वन में पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं, ना ही मोइस्ट डेसिडुअस। सबसे पहली बात तो ये आप याद रखेंगे कि जो आपके देवदार हैं ये आवृत बीजी पेड़ों में, ये अनावृत बीजी में आते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म में आते हैं। अनावृत बीजी पेड़ों के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। दूसरा, साल में ऐसा कभी समय नहीं आता है जब देवदार का पेड़ पूरी तरह से नग्न अवस्था में हो, यानी कि उस पर एक भी पत्ता ना हो, तो ये एक सदाबहार पेड़ है। ठीक है, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हाँ, क्लास तो जो आपकी बैचेस की क्लासेस हैं वो शायद आपकी शाम से होगी, ये तो आपकी यूट्यूब क्लास है अमन, तो मैंने कल आप लोग को स्टडी प्लान भी दिखाया था, कल एक सेशन भी लिया था, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आप लोग के लिए कि ब्लैक बक यानी कि काले हिरण या फिर काले तीतर का लेटिन नाम क्या है, या फिर इसको आप कह लीजिए कि काले तीतर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है एंटीलोप सर्वी कैपरा, मोशियाला मेमेना, रूसा यूनिकलर और एक्सिस एक्सिस। अब ये जो आपके वैज्ञानिक नाम होते हैं किसी भी जीव के, जो भी इस धरती पर मौजूद है, चाहे वो आपका जीव है, चाहे जंतु है, चाहे पौधा है, चाहे जानवर है, उनका नाम ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ आपको कंटेंट मिलेगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी। यहाँ पर जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहाँ आप थ्योरी करेंगे पहले, उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि काले हिरण का लेटिन नाम क्या है? द राइट आंसर इज एंटीलोप सर्वी कैपरा, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, शैलेंद्र सर्वेश इस क्वेश्चन का आंसर ए लगाएंगे, आशीष वेरी गुड, हंसा वेरी गुड, आप लोगों का आंसर ठीक है जी। महेश कुमार मैंडेट सर क्या बताना है? प्रणाम मैम, ये क्लास जो है वो आपकी डेली होती है, बशर्ते डेली आपकी दूसरी फैकल्टी की भी क्लास होती है, यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपकी ये क्लास इसी वक्त होती है 12:30 बजे, जिसमें मंगलवार को आपकी फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की क्लास होती है मेरे द्वारा। इस तरह से आप लोग का ये टाइम टेबल है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कि इनमें से विषम कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा है, उसको आपको चिन्हित करना है। ये जो है आपको वृक्ष की जो वृद्धि अवस्थाएं हैं वो लिखी हुई हैं, आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो वृक्ष की अवस्था ही नहीं है। ऑप्शन आपका पोल है, सीडलिंग स्टेज है, यंग टिम्बर है, या फिर आपका सैपलिंग स्टेज है। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, इस सवाल के लिए क्या सही जवाब लगाएंगे बताओ भाई जल्दी से।
देखो, अब आप पोल ही ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन के लिए आंसर लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहली स्टेज होती है सीड, बीज, फिर होती है सीडलिंग यानी कि अंकुरित, ठीक है, बीज से अंकुर निकलता है, फिर होती है आपकी सैपलिंग स्टेज, ठीक है, फिर यहाँ पर होती है आपकी पोल स्टेज, और फिर आपकी जो स्टेज होती है आखिरी अवस्था आपकी ट्री होती है। तो ऐसी कोई भी स्टेज नहीं होती है यंग ट्री के नाम से, यानी कि युवा लकड़ी के नाम से। ये तो जब आप उस पौधे को, उस पेड़ में से लकड़ी को काट देते हो, फिर उसको आप अपने मतलब के हिसाब से कन्वर्ट करते हो, तो तब आपको यंग टिम्बर एक फॉर्म मिलती है। तो सी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट ट्री स्पीशीज फॉर कोस्टल एफोरेस्टेशन, यानी कि तटीय वनीकरणों के लिए। जो आपका वनीकरण, वनीकरण का मतलब क्या है? वनीकरण का मतलब है जब आप किसी एक जमीन के स्थल पर पहली दफा पेड़ों को लगाएंगे, तो आप उसको एफोरेस्टेशन कहेंगे, वनीकरण कहेंगे। कोस्टल यानी कि तटीय, यानी कि समुद्र के तट की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे सबसे अच्छा वृक्ष प्रजाति का कौन सा है जिसको आप चयन करेंगे तटीय वनीकरण के लिए? तो इस सवाल का सही जवाब आपका होगा कैजुरियाना इक्विसेटिफोलिया। सैपलिंग क्या होती है? देखो, ये आपका सैपलिंग और पोल इंटरमीडिएट ये स्टेज होती है, जब आपका जो अंकुरित बीज है वो आपका 1 मीटर तक हाइट अटेन कर लेता है, तो उस वक्त की जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, उसको सैपलिंग कहा जाता है, हंसा, ठीक है। यूकेलिप्टस नहीं होते हैं तटीय क्षेत्रों में, अमूमन बहुत कम होते हैं। आपसे पूछा गया है कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो इसका आंसर कैजुरियाना इक्विसेटिफोलिया है। तो सी होगा इस सवाल के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग डैश के दौरान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, तो कौन से वर्ष में वन्य जीव अधिकरण बनाया गया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1975, 1980, 1972 या फिर 1995। सही जवाब क्या होगा इस सवाल के लिए? ठीक है, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 1972। कैसे तुम आंसर लगा रहे हो यार, अभी तो बताया था 80 में, तो कंजर्वेशन संरक्षण, ये प्रोटेक्शन है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन है। कंजर्वेशन वाला जो है वो आया था 1980 में। 72 है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, कैसे तुम लोग तो हद कर रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया हुआ भूल गए। आइडेंटिफाई द हार्ड वुड टिम्बर स्पीशीज, आपको बताना इनमें से दृढ़ लकड़ी और कठोर लकड़ी की प्रजाति कौन सी है। इसी के साथ साथ गाइज, मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और जो यहाँ पर ऑप्शन है उनके साइंटिफिक नेम भी दिए हैं। तो चीड़ पाइन का वैज्ञानिक नाम है पाइनस रॉक्सबर्गाई, पॉपुलर यानी कि कॉटन वुड ट्री का साइंटिफिक नेम है पॉपुलस, सेमल का साइंटिफिक नेम है बॉम्बे सेबा, और साल का साइंटिफिक नेम है शोरिया रोबस्टा, और इन ऑप्शंस में से कठोर लकड़ी की प्रजाति आपकी साल की होती है। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब जितने स्टूडेंट्स क्लास में अवेलेबल हैं बेटा, सबके सब क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो आप बैचेस में भी एनरोल कर लीजिए, ठीक है। आज से ही आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और Y344A कोड लगाकर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ एडमिशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, द टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन सॉफ्टवुड यानी कि नर्म लकड़ी में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवुड के बारे में, जिनके अंदर आपका सैपवुड कंटेंट यानी कि आपका नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनकी जो शेल्फ लाइफ है, ड्यूरेबिलिटी है, वो भी कम होती है, यानी कि आप इनको लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो।
तो ट्रैकेट्स आपके एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि इन प्रकार के लकड़ियों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिक द ट्री स्पीशीज बिलोंगिंग टू द फैमिली मायरिटे से आपको बताना है। ठीक है, एनरोल कर लिया है, ओके सीमंत, वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इनमें से वृक्ष प्रजाति मायरटेसी परिवार से संबंधित वृक्ष प्रजाति को चुनिए कि कौन सा वृक्ष प्रजाति मायरटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन आपका पाइनस है, यूकेलिप्टस है, लैगरस्ट्रोमिया है या फिर आपका टर्मिनेलिया है। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका सफेदा यानी कि यूकेलिप्टस। फाइबर नहीं होगा उस क्वेश्चन का आंसर, ट्रैकेट्स होगा। ठीक है, ट्रैकेट्स जो होते हैं ना वो आपके जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म ही जो अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं वही जो होते हैं आपके सॉफ्टवुड और नर्म लकड़ी के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीवीपी इंडेक्स स्टैंड फॉर, सीवीपी इंडेक्स किससे संदर्भित है। तो ऑप्शंस है क्रॉप वॉल्यूम परसेंट इंडेक्स, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम परसेंट इंडेक्स, क्लाइमेट वेजिटेशन एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, क्लाइमेट वॉल्यूम प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, इस सवाल के लिए सही जवाब है क्लाइमेट वेजिटेशन एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, की आपका जो जलवायु है, वनस्पति है और उत्पादकता है उसके सूचनांक को सीवीपी कहा जाता है। ठीक है, जामुन और गवावा भी जी। तो आगे, हाँ वैसे ही हंसा, हम आगे और भी स्पीशीज को पढ़ते रहेंगे। जामुन और गवावा जो है ये आपके हार्डवुड के अंदर आते हैं अगर आप इनके स्पीशीज को वैसे करके बात कर रहे हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द टर्म प्रोविनेंस मीन, उद्गम शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, उद्गम शब्द का अर्थ क्या है, इसको हम भूमि दौड़ या लैंड रेस, ज्योग्राफिकल सोर्स यानी कि भौगोलिक स्रोत, सीड सोर्स यानी कि बीज स्रोत या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रोविनेंस शब्द का मतलब क्या है, देखो जैसे हम लोग बात करते हैं हमारा मतलब इंडिपेंडेंस से पहले यूपी को आपका यूनाइटेड प्रोविनेंस कहा जाता था। उसी के अलावा हमारा अगर हम बात करते हैं यूएसए के बारे में तो वहाँ पर अभी भी राज्य नाम की चीज़ें नहीं है, वहाँ पर हम लोग सिंपली बात करते हैं आपका किस बारे में, हम बोलते हैं प्रोविनेंसेस के बारे में। तो प्रोविनेंस से शब्द जुड़ा हुआ है आपके ज्योग्राफिकल सोर्स के साथ। ठीक है, ज्योग्राफिकल सोर्स के साथ प्रोविनेंस शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलो, कैसा लगा गाइज आपको आज का ये सेशन जिसमें हमने पहले वन लाइनर्स किए और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन किया काफ़ी अच्छे तरीके से। तो मुझे तो ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी थी, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो जाते जाते आप इस क्लास को ज़रूर से लाइक कर देंगे। और ये जो बैच आप लोग के लिए आज से शुरू हो रहा है आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। Y344A कोड अप्लाई करके अगर आप इस बैच में एडमिशन लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, बहुत अच्छा, मस्त, सुपर, थैंक यू सो मच गाइस, काफ़ी अच्छा लगा आप लोग के कमेंट्स पढ़ के। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते रहिए हम लोगों